सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी की बात करने वाले हैं। गेस, संत कैरन सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल वैकेंसी की बात सी आ चुकी है। इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल द फॉर्म, मिस्टेक्स, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द टेक्निक्स और व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। चूंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। ये वीडियो बड़ा होगा बट 100% आपके लिए अच्छा होने वाला है। पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेके लास्ट स्टेप तक, हाउ टू प्रिंट द फॉर्म, हाउ टू पेन, ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहली बार अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन भी यानी घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन का हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करें कि बिहार के ऐसे बहुत सारे गार्जियंस हैं जिनको ऐसे अभूत मूलभूत सूचनाओं के अभाव के कारण उनका बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे पेरेंट्स के पास जो इस मूलभूत सूचनाओं के अभाव में अपने बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे स्कूल में नहीं करा पाते हैं। चूंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद। CBSE न्यू दिल्ली भोला रोड दानापुर की वैकेंसी आउट हो चुकी है। सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझने का हम प्रयास करेंगे। संत कैरन हाई स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन ओनली, यानी आपको वहां पर काउंटर पे नहीं जाना है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन ओपन ऑनलाइन ओनली बाय दैट सुपर क्लास वन, क्लास वन की वैकेंसी बंपर वैकेंसी आउट हुई है 24-25 की। जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो 1000 रुपीज है। और फॉर्म अवेलेबल फॉर्म 6 जनवरी यानी 6 जनवरी आज से ही इसका फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। तो प्लीज जल्दी फॉर्म भर दे, तरीके से भरे, घबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि फॉर्म फिल करने के बाद पछताते हैं, तो हम बोलेंगे सलीके से देख लें कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। उसके बाद दिया हुआ है फोटो स्टैट्स कॉपी ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, DOB होना चाहिए आपके पास, उसका फोटो स्टैट आपको अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट होगा और एट टाइम ऑफ इंट्रैक्शन और एग्जामिनेशन, चूंकि क्लास वन के बच्चे का एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन आपको जो चीजें अटैच करके ले जानी है। DOB सर्टिफिकेट या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना हो, नगर परिषद, नगर पंचायत, जहां से भी आपका बना हो, यहाँ पे उस चीज को वैलिडेट किया गया है। यहाँ पे दो चीज बताया गया है। इसके बाद दिया गया है क्या, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आपका आवासीय का रेसिडेंस, anyone, कोई भी एक आप ले सकते हैं क्या सर, या तो राशन कार्ड, या तो इलेक्शन ID, करेंट लैंडलाइन टेलीफोन बिल या करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, चार चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, या आधार कार्ड, 5। पहला है राशन कार्ड, इसमें हमेशा बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहता है सर क्या कैसे होगा राशन कार्ड। बी है इलेक्शन ID कार्ड, या तो आपके पास इलेक्शन ID कार्ड हो वो चलेगा, या तो सी वाले में आपको करेंट लैंडलाइन टेलीफोन बिल होना चाहिए, आपके पास करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, या तो आधार कार्ड होना चाहिए। इन सब चीजों में से अगर एक भी चीज आपके पास है तो आप प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए काफी है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द स्टडिंग सिबलिंग स्टडिंग इन द संत कैरन हाई स्कूल एंड फोटोकॉपी ऑफ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस क्लास। अगर आपके अपने बच्चे संत कैरन में पढ़ते हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड भी लगाना पड़ेगा और उनका ID का भी लगाना पड़ेगा। अपने बच्चे का प्रीवियस ईयर, फॉर एग्जाम्पल क्लास वन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं आप, तो UKG का जो है प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद हम एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या एज है सर। एज क्राइटेरिया यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है 6 ईयर टू 7 ईयर 8 मंथ, 6 साल से लेकर 7 साल 8 महीने वाले बच्चे क्लास वन के लिए एप्लीकेबल है। बहुत ही अच्छा इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है एज को लेके, 6 साल से लेके 7 साल 8 महीना वाले बच्चे इसमें एप्लीकेबल हैं, तो आप अप्लाई करना ना भूले। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्रोफिशिएंसी इन एप्टीट्यूड असेसमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे बच्चों का एक एग्जामिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी इन एप्टीट्यूड असेसमेंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट एज गिवन इन द टाइम और सबमिशन ऑफ द फॉर्म। तो जो भी टाइम आपको फॉर्म सबमिट कीजिएगा टाइम और डेट मिल जाएगा, उस पे आपका एक एग्जामिनेशन होगा, इसको टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा। टेस्ट की तैयारी कैसे की जाती है सर, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम क्रैक करना है, सारी जानकारी आपको चाहिए, यू कैन कॉल आवर PVM नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना स्टॉप। इसमें से बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
ऑन द डे ऑफ द एडमिशंस एज एंड इन्फॉर्म बाय द स्कूल ऑफिस। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस दिन लेके आने हैं जिस दिन आपका इंस्ट्रक्शन होने वाला है, और जैसे स्कूल ने बोला है। इट इज मैंडेटरी टू बोथ द पेरेंट्स टू कम द स्कूल एंड असाइंड डेट और एज इन्फॉर्म। दोनों पेरेंट्स को, यानी माता पिता दोनों को उस दिन आना ही आना है। फॉर्म टू बी स्ट्रिक्टली सबमिटेड बाई द पेरेंट्स ओनली। बच्चे को फॉर्म सबमिट नहीं करना है, पेरेंट्स ही फॉर्म सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द टाइम स्लॉट ऑफ एडमिशंस गिवन बाय द स्कूल ऑफिस एंड टेक 1 hour एक्स्ट्रा इन हैंड फॉर मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ डिले इन द डेट ऑफ एडमिशंस। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा, मैं तो बोलता हूँ उस पूरा दिन ही आपका छुट्टी हो तो अच्छी बात है, ऐसा मैनेज कर ले कि उस दिन जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है उस दिन आपका डे ऑफ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सी द एप्लीकेशन फॉर्म इज कम्प्लीट इन ऑल द रिस्पेक्ट। ये पेरेंट्स का दायित्व तो है कि जितना भी आपने फॉर्म फिल कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, सारे कुछ कंप्लीट हो और हबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करें। उसके बाद फोटोग्राफ्स की बात किया है, 2 recent पासपोर्ट साइज, 1 stamp साइज, 2 passport साइज फोटोग्राफ लेना है, 1 stamp साइज फोटो कैंडिडेट का लेना है, 2 passport फैमिली साइज फोटोग्राफ लेना है। इसमें फादर मदर कैंडिडेट मस्ट बी ब्राउट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द डे ऑफ सबमिशन। ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट एनी टाइम विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल एंड नॉट बी रिटर्न्ड। वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। Selection of the candidate will be done by the committee. Any recommendations, use of influence will lead to the cancellation of the application form admissions. If selected, अगर आपका selection हो जाएगा, admission must be taken within the given time framework. Thereafter, the candidate may forfeit the chance for admissions. अगर किसी भी कारण से आपके दिए गए समय और डेट में आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका जो सीट है वो किसी और को दे दिया जाएगा। साफ साफ इस शब्दों में लिखा गया है, तो भूल के भी इन चीजों को पे ध्यान दे और इसी गलती ना करें। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। किसो किसो क्रिश्चियन का कैंडिडेट है, एक्स कैरेंटाइन चिल्ड्रन हैं, सिबलिंग ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन संत कैरेंस हाई स्कूल, स्टूडेंट ऑफ नेबरहुड, जो है इन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। इसका एक कतई मतलब नहीं कि और बच्चों का नहीं होता है, होता है। इफ यू क्रैक द एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर चांसेस विल इंक्रीज। इन कोर्स ऑफ द स्टूडेंट टेन्योर इन द स्कूल और टाइम ऑफ एडमिशन शुड इट कम टू द light that parents have concealed the fact that child is suffering from any physical or mental disabilities, communicable contagious diseases, any serious alignment, then the school reserve the right to cancel the admission in order to withdraw a such a student. ये point बहुत ही important है। बहुत सारे parents अपने बच्चों का medical issue schools को नहीं बताते हैं और ये कहीं ना कहीं schools के लिए बहुत बड़ा problem हो जाता है। अगर बच्चे का होनी और अनहोनी ना चाहते भी खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो स्कूल को बहुत झेलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने पहला ही बता दिया है कि सारे अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज आपके बच्चे के साथ है, एनी डिजीजेस, एनी टाइप ऑफ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज, प्लीज इसको जरूर अपने कम्युनिकेट करें, इससे स्कूल इस चीजों से वाकिफ हो और उसको देखते हुए बच्चों को उस तरह से ट्रीट किया जाए। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजीज किसी को हो सकती है, कभी भी बीमारी किसी को किसी एज में हो सकता है, तो प्लीज अगर आपके प्रॉब्लम है किड्स में वार्ड में तो जरूर उसको मेंशन करें। ये स्कूल के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। उसके बाद काइंडली गो थ्रू द एडमिशन प्रोसेस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। ध्यान से फॉर्म को भरें, बार बार हम लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ध्यान से भरें। सिलेक्शन लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड और ऑन द वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। पेरेंट्स एंड आर फुली रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स और गार्जियन रिस्पॉन्सिबल है टू अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चाइल्ड वार्ड एंड द स्कूल ईदर पर्सनली और बाई ऑथराइज्ड पर्सन। प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो कि स्कूल से बसेस चलाती हैं, उसके वो चीजें आपको देखती हैं, ना कि स्कूल इस तरह की फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड करता है। फी आर पेड, जो फी की बात है तो फी जो है 6 installments आपको पेड करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी चार्ज एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। पहला इंस्टॉलमेंट जैसे आप एडमिशन लेने जाएंगे उस समय आपको पहला इंस्टॉलमेंट देना है। पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड कैश और बाय कार्ड, या तो आपको कैश से पे करना होगा या तो आपको कार्ड से पे करना होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑल द फी देयर आफ्टर फॉर ऑल द क्लासेस शैल बी कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन थ्रू ई केयर ऐप और थ्रू द बैंक इन एडिशन टू द कैश और कार्ड। पेमेंट का ये मेथड दिया गया, तो आप कैश से पे कर सकते हैं, कार्ड से पे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मेथड से भी पे कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है यहाँ पर दिया गया, रिक्वेस्टेड टू रिकमेंडेड टू काइंडली कॉन्टेक्ट गणेश राम यूटिलिटी सर्विस, प्राइवेट एजेंसी है जो कि अवेलिंग करती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो उनसे आप बात करके जो भी जहां से आपके वार्ड आने आ जाने का है इनसे आप बात करके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर क्लाउज ऑन एडमिशन,
सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, सारी चीजें को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सारे रूल एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और ध्यान से सलीके से फॉर्म को भरना है। घबराहट में फॉर्म को कतई ना भरें, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मिथ है लोगों का, जो कि बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते दैट आई हैवंट रिटन अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशंस एज प्रोवाइडेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोसीड विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे खुल जाएगा, ध्यान से आप भरना है फॉर्म। यहाँ पे आपको क्लास देना है, ओनली एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट पार्टिकुलर्स में बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, बर्थ, जेंडर, रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, नेशनलिटी क्या है, एड्रेस क्या है बच्चे का, उसको ध्यान देना है, लास्ट स्कूल क्या है, लास्ट क्लासेस क्या था, फादर्स नेम का डिटेल यहाँ पर अच्छे से भरना है, मदर्स डिजाइनेशन क्या है पापा का, मम्मा का, एनुअल इनकम क्या है, अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो हाउस मेकर यहाँ ले सकते हैं, जो प्रोफेशन हो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब एन एन कुछ काम नहीं हो रहा है, टीचिंग का, प्राइवेट जॉब, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, होम मेकर है, स्टाफ वार्ड है, बैंकर है, जो भी है, सलीके से ध्यान से यहाँ पे आपको देना है। फादर का डिजाइनेशन क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, गार्जियन का डिटेल क्या है, सारी चीजें इसको हम भर के आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या चीजें करनी होती हैं और क्या कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है, तो जिसको आप मिस्टेक कतई ना करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। यहाँ भी लगभग सेम सेंट माइकल्स, जैसे सेंट माइकल्स हाई स्कूल का था, आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाती है, जैसे आप फॉर्म फिल करके आएंगे ये चीजें आपको खुल जाएंगी और यहाँ पे आपको सलीके से भरना है। प्लीज डू नॉट प्रेस द रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश बटन पर वो क्लिक नहीं करना है। फोटोग्राफ्स आपका जेपीजे जेपीईजी डॉट पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 KB ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इमेज साइज भी 120 का होना चाहिए। यहाँ चीजें देख लेनी है, फॉर्मल व्यूज आपको देना है, साइड व्यू बच्चों को नहीं देना है, ब्लर नहीं होना चाहिए। और आपने फोटो कहीं से खिंचवाया है या फोटो खींच रही है लाइव, तो अच्छा से फोटो क्लिक करके चेहरे पे लाइट हो और फोटोग्राफ थोड़ा नेचुरल लाइट्स में नहीं हो सके तो हो सके तो आप भरपूर लाइट्स में खिंचवा ले, आप कोई स्टूडियो में ले, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, फॉर्मल में होना चाहिए और सही सही होना चाहिए। जिस तरह का यहाँ इमेज शो कर रहा है, स्टूडेंट का फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड करना है, स्टूडेंट्स का फोटो विद फैमिली यहाँ पे अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना है और एड्रेस प्रूफ, इन चीजों को हम करते हैं। जैसे ही आप कीजिएगा बारीकी से, बच्चे का फोटो भी आप अच्छे से ले सकती हैं, घबराहट में कभी फोटो ना लें, जो भी आपका फोटो होगा पिक्चर्स में लेके अच्छे से बच्चे का जो भी आपको पिक्चर लगे उसको आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, क्रॉप भी कर सकते हैं आप, अगर क्रॉप करने का चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं और नहीं तो क्रॉपिंग नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका सक्सेसफुल रहेगा तो अपने आप ले लेगा, अगर नहीं रहेगा तो उसको क्रॉप करना पड़ेगा, क्रॉप करने के बाद ही वो चीजों को लेगा। यहाँ पे स्टूडेंट फोटो विद पेरेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो हम चीजों को ऐसे ही ले रहे हैं, आप सलीके से अपना लेके जाएंगे, हम लोग को दिखाना है, सिखाने हैं चीजों को, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है, इन चीजों को ध्यान देना है कि आपका जो हो वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, उन चीजों को अपलोड करना है और अपलोड पे क्लिक करना है, जिससे चीज पे क्लिक करेंगे अपलोडेड फॉर्मेट में आ जाएगा। एड्रेस प्रूफ जो कि आपको अपलोड करना है, वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में हम लोगों ने बताया था कि एड्रेस प्रूफ में कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, उन चीजों पर ध्यान देकर ही आप फॉर्म को भरेंगे। घबराहट में फॉर्म को प्लीज ना भरें, हमारा बार बार रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम ले, नहीं समझ में आ रहा है उसको अच्छे से भरवाएं, किसी से अगर नहीं भर पा रहे हैं तो। उसके बाद आप प्रीव्यू पर जरूर क्लिक करें, सारे डिटेल्स आपको यहाँ प्रीव्यू हो जाएंगी कि आपने सही से किया है कि नहीं किया है, सारी डिटेल्स हमारी यहाँ भी प्रीव्यू हो रही है, फादर्स का डिटेल्स, मदर्स का डिटेल्स, सारी चीजें यहाँ पे, पर्सनल एड्रेस, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ फादर, सिग्नेचर ऑफ मदर लास्ट में खुल के निकल जाती हैं और जितने भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो प्रीव्यू अच्छे से कर ले, आपको सब सही लग रहा है तभी आप प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड टू ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे वो चीजें आपको खुल जाती है, 1000 रुपीज आपको यहाँ पे करना होगा, आप या तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू, या आप यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, आजकल यूपीआई का पेमेंट आईडी दे दिया गया है। जैसे आप वर्चुअल एड्रेस और पेयर नेम देखेंगे यहाँ पर, पे या नाउ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे तरीकों से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। पे करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तैयारी कैसे होगी, सर मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीजें सारे हर एक पेरेंट्स से क्लियर हो जाएंगी। बैक टू बैक हमारे बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, वैकेंसियों की बाढ़ सी आ गई है, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि इन सूचनाओं के अभाव के कारण अपने बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।